एदमदौला क्षेत्र की रहने वाली छात्रा का 1 तारीख को खंडौली इलाके में अजला शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा तो कर दिया, लेकिन अब पुलिस की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ पहले दुराचार किया गया और उसी के दुपट्टे से उसका गला घोटकर मार दिया गया। छात्रा की मौत के बाद उसे गठरी में बांधकर सुनसान इलाके में उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया। थाना खंडौली क्षेत्र में 1 तारीख को गश्त पर जा रहे सिपाहियों को अधजला युवती का शव मिला था। पुलिस की कार्रवाई में शव की शिनाख्त एदमदौला थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि छात्रा के अपने ही पड़ोस में रहने वाले आशीष से प्रेम संबंध थे। छात्रा पढ़ाई के बहाने घर से निकली और आशीष से मिलने चली गई। पुलिस की कार्रवाई में आशीष और उसके पिता ने बताया कि पहले छात्रा के साथ दुराचार किया गया और उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। छात्रा की मौत के बाद दोनों शातिर आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर कम्बल में शव की गठरी बनाकर रख लिया और उसे सुनसान इलाके में जाकर पहचान छुपाने के उद्देश्य से जला दिया। पुलिस की माने तो दोनों शातिर बाप बेटों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की जांच में निकल कर आया है कि आरोपी आशीष छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से छात्रा ने इसका विरोध किया और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आशीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 तारीख की सुबह 4 बजे जब जो गश्त के सिपाही थे वापस लौट रहे थे, तो उनके द्वारा जलेसर रोड पर थाना खंडौली क्षेत्र में एक युवती की लाश को जलते हुए उन्होंने देखा था और तत्काल उसे आग को बुझाया और थानाध्यक्ष को सूचना दी। थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और अधजली लाश वो थी और लड़की करीब 20-22 साल की लड़की थी और उस शिनाख्त होने पर छानबीन के दौरान ये पता चला कि ये लड़की आशीष तोमर नाम का एक युवक है, उसके यहाँ गई थी और वहाँ पर जब और छानबीन की तो उस आशीष तोमर की इसमें गिरफ्तारी हुई। आशीष तोमर द्वारा ये बताया गया कि लड़की उसके घर पर आई थी और उसके द्वारा वहाँ पर इसके साथ दुराचार किया गया और विरोध करने पर इसका गला घोटकर हत्या कर दी गई। 31 तारीख को रात में शाम तक इसमें बदबू आने लगी तो ये और इसके पिता ने सोची समझी साजिश के तहत लाश को एक कम्बल में लपेटा और मोटरसाइकिल पर रखकर जहाँ पर ये लाश मिली थी जलेसर रोड पर वहाँ पर इसे फेंक दिया और आग लगाकर इसकी शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इससे संबंधित जो लड़की का मोबाइल है वो बरामद किया गया है, जो जूते हैं वो मौके से बरामद किए गए हैं उसके घर से और जो मोटरसाइकिल है घटना प्रयुक्त हुई थी वो बरामद की गई। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।